वीर जी, हमारी शुतुरमुर्ग की पुलाव आ चुका है, हम लोग सैटिस्फाइड करते हैं। ये देखें, लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेरने के लिए हमें आपको हमारी बात पे श्रद्धा और इतने जबरदस्त यहाँ पर बड़ी सहरी कर रहे हैं और इसमें लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह से देखिए, ये जो महीना है ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है। इसमें तो हमें गरीबों का ख्याल रखना जरूरी है। जफर अब्बास भाई जो है वो इस मामले में बहुत आगे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी सहरी यहाँ जारी उसारी है और मैं समझता हूँ कि ये जफर अब्बास और उनकी टीम का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अस्सलाम वालेकुम, तो स्टूडेंट ट्रैवल में पहुंचा। आज हम जहाँ पे आए हैं इस जगह का नाम है जीबीसी, पहली फेरी है और पब्लिक का इतना रश है जीबीसी की फेरी में कि हमने गेट से यहाँ तक आते आते एंड तक आते आते तकरीबन 10 मिनट लग गए। सुना है यहाँ पे जो सहरी है वो शुतुरमुर्ग के पुलाव या बिरयानी की, चल के देखते हैं कि इनके इंतजाम कैसे हैं और आपको उसके अपडेट देते हैं। तो आइए हमारे साथ। देखें ट्रेन रेडी हो रही है, डिशेज रेडी हो रही है शादी के लिए, ये सब रेडी हो चुकी है, रखी जा चुकी है। जनाब ये प्लाव किस चीज़ का है? शुतुरमुर्ग का प्लाव है, हमने सुना था और आप लोग देख भी रहे हैं, ये शुतुरमुर्ग का प्लाव शहरी के जेडीसी तैयार करवा रहा है और लोगों की एक बड़ी कसीर तादाद है जो यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहरी है, एशिया की रोड बनने वाली। अच्छा, रोड बनने की एशिया की सबसे बड़ी शहरी है भाई, बता रहे हैं। ये देखिए हर जगह लोग ही लोग हैं और इतने सारे लोग, इतनी देखें काफी देखें तो खाली भी हो चुकी हैं और ये तैयारी चल रही है शहरी की। वॉलंटियर्स की तादाद देख सकते हैं आप, कुछ तो येलो कपड़े में है, कुछ जैकेट पहनी हुई है और कुछ वॉलंटियर्स ने जैकेट नहीं पहनी हुई है। तो एक सेशन है जो जहाँ पे बिरयानी सर्व हो रही है, इसके अलावा जो लोगों की मैनेजमेंट भी होती है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही आला तरीके की है। कामरान कैसूरी साहब आए हुए हैं और उसी से शहरी का ये तकरीब का इफ्तिताह होगा। ये बड़ी खुशी की बात है और जफर अब्बास साहब को और तमाम लोगों को الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صدق الله العظيم। माह रमजान का आगाज है और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सहरी में यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकतें हमारे दामन में अता फरमाए और हमें इसी तरह खुशफुर्रम होकर आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उसकी इबादत की मजीद तौफीक अता फरमाए।
ये पहली शहरी शहरी का पहला फॉल जो है ये गवर्नर सिंह कस्तूरी साहब की तरफ से सर्व किया जाएगा, उसके बाद शहरी का अफ्तः होगा। रमजान में जो एफर्ट्स करते हैं, जो कोशिश करते हैं, और आपकी टीम है जो आप लोगों के चेहरों पे खुशियों पे खेलने के लिए, मैं आपको बात पे श्रद्धा और इतने जबरदस्त यहाँ पर बड़ी सहरी कर रहे हैं और इसमें लोग आ रहे हैं और माशाल्लाह से। लेकिन ये जो महीना है ये हमदर्दी का महीना है, हमदारी का महीना है, इसमें तो हमें गरीबों का ख्याल रखना जरूरी है। जफर अब्बास भाई जो है वो इस मामले में बहुत आगे हैं और ये खिदमत खल्क इतनी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए। और मैं एक लोगों से ज़रूर कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, इनकी भरपूर मदद करें और इनके हर काम में इनको आगे लेकर जाएं ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, लोगों का ख्याल रख सकें। आज दुनिया की सबसे बड़ी शहरी यहाँ जारी उसारी है और मैं समझता हूँ कि ये जफर अब्बास और उनकी टीम का एक बहुत बड़ा कारनामा है और इस शहर के अहले सरबत का ये ताबुन है कि हम वो काम करने जा रहे हैं जो शायद इससे माज़ी करीब हमें होता नज़र नहीं आया। तो माह रमज़ान खैरख्वाही का महीना है, हमदर्दी का महीना है, हमें लोगों के दुख दर्द बांटने चाहिए। रोज़ों का एहतमाम करने का मकसद भी ये है कि अल्लाह की बादशाहत है मालूम हो कि भूख और प्यास की शिद्दत क्या होती है। तो आइए इसको महसूस कीजिए और जो काम जेडीसी कर रही है इसमें ताबुन कीजिए। न सिर्फ माह रमज़ान बल्कि पूरे साल सिलसिला जारी रहता है, इसको और आगे बढ़ना चाहिए कि कोई शख्स शहर के वक्त भूखा ना हो, उसका रोज़ा सहरी के साथ हो, उसकी इफ्तार इस कदर हो कि वो अगले दिन के लिए तैयार रहे, इस काम को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया। अरे हाँ ओके मिल गया भाई, प्लीज बीच में किसी को नहीं देगा। सज्जाद देख रहे हो ना वहां पे, थोड़ा तेज तेज सज्जाद, थोड़ा तेज तेज भाई, जो दो गए हैं उनको नहीं लेना, तीन तीन पे ये व्यूअर साहब देख सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी शहरी का इंतजाम कैसे हो रहे हैं। वॉलंटियर्स लाइव पे है, एक से दूसरे को चेन सूट की सूरत है, बीच में से हट जाए प्लीज, अगर तुम लोग खेल उधर चले जाओ तो भाई थोड़ा बेसिस मैं गुजारिश करूंगा। छोटे लोग बीच में वीडियोस बना रहे हैं, बड़ा मेहरबानी खाने में आप दखल दे रहे हैं, बीच से हट जाए हमारे डिस्टर्ब नहीं कर भाई, बीच से हट जाओ यार, थोड़ा पैसे वॉलंटियर, थोड़ा पैसे, थोड़ा पैसे यार, अक्सर देखो जो दो दो बैठे हमको नहीं दो यार, अगर कोई आवाज किसी खड़े में शख्स को दे उसको लाइन से हटा दो। शाबाश सज्जा को आगे ना दे, उनसे बोलो बता भाई आप लोग आगे चले जाओ ना, जहाँ हाथ चला रहे हैं आप लाइन में क्यों खड़े हो, आगे दस लोग बचते हो भाई, मैं फिर कह रहा हूँ दो दो के बदले भाई तीन के ऊपर है, शाबाश यहाँ से देखो, यहाँ से चेन शुरू हो रही है पूरी सप्लाई चेन शहरी की, यहाँ से देखें बड़ा सिस्टमेटिकली ये पूरी चेन बनी हुई है, एक बंदा दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है और ये इतने सारे वॉलंटियर्स जो हैं ये सब शहरी बांटने में मसरूफ हैं। ये देखें शहरी कैसे एक हाथ से दूसरा हाथ आगे बढ़ रही है, शाबाश
शख्स मौजूद हैं, दुआ करें परवरदिगार आलम आज इसी लहजे पहली रमजान की सहरी में परवरदिगार आलम इनको मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए। शाबाश वाले के तेज 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 भाई तेज तेज जाने दो पीछे थोड़ा आज पीछे जाने दो आगे अरे पीछे भी जाने दो तेज तेज तानिया देख लेते हैं थोड़ा वीर जी हमारी शुतर मुर्ग की पुलाव आ चुका है, हम लोग सैरी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जबरदस्त यार, बहुत ही आला है, इसको हम ट्राई करते हैं क्या खस्ता और बड़ा मुलायम गोश्त है। ये देखें आप, इसको हम ट्राई करते हैं और अब हम सैरी शुरू कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह सैरी के बाद आपको अलविदाई एक मैसेज करेंगे। फैरी खत्म हो गई है और फैरी हमने की, फैरी बहुत अच्छी थी इनकी। शुतुरमुर्ग का पुलाव था जो बड़ा लाजवाब था, उसके अलावा जर्दा था, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्विंग की इन्होंने और फैरी के अंदर कुछ कमी नहीं थी, सबने माशाल्लाह पेट भर के खाया। अगर आप हमारी वीडियोस लाइक करें तो हमें शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और नया उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।